हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कुलर आपका अपने चैनल आरतीस पंजाबी किचन में स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल पर आपके साथ बहुत सी पंजाबी और इंडियन रेसिपीज शेयर करूँगी, साथ ही बिगनर्स के लिए बहुत सी क्विक एंड इजी रेसिपीज भी शेयर करूँगी। मैं इस चैनल पर वीकली 2 वीडियो पोस्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए आज मैं आपके साथ तीन तरह के क्विक एंड इजी सैंडविच रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेज पोटैटो सैंडविच, जिसको हम आलू के सैंडविच भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स में मैंने प्याज लिया है, एक मीडियम साइज का। आधी मैंने शिमला मिर्च काट के रखी है, कुछ धनिया की पत्तियां ली हैं और ग्रीन चटनी और थोड़ी सी टमाटो सॉस और बटर। और मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं क्योंकि इससे हम 2 सैंडविच बनाएंगे। और मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च और सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 जो मैंने आलू लिए हैं उनको मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और ये शिमला मिर्च, ये धनिया की पत्ती और मसालों में मैंने गरम मसाला, काली मिर्च और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये ब्रेड स्लाइसेस लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाएंगे। अब हम ये आलू की जो फिलिंग है वो डालेंगे। अब मैं 2 पीस और लूंगी, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी टमाटो केचप लगाऊंगी। ये मैं इसके ऊपर फोल्ड रख दूंगी। ये हमारे रॉ सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब इनको हम तवे पे सेकेंगे या हम इनको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज इसको तवे पे सेक के बनाना सिखाऊंगी। अब हम गैस पे तवा गरम कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसके ऊपर हम ये सैंडविच रख देंगे। अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से। फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि ये जले ना। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। तो चलिए, अब हमारे सैंडविच तैयार हैं। अब इनको हम सेंटर से 2 हिस्सों में काट लेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वेज मेयोनेज ग्रिल सैंडविच, जिसके लिए हमने एक प्याज लिया है, उसको अच्छे से बारीक काट लिया है। एक कटोरी मैंने कैबेज ली है जिसको मैंने बहुत बारीक काटा है, और एक मैंने गाजर को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, और आधी मैंने शिमला मिर्च काटी है और कुछ धनिया पत्ती ली है। थोड़ी सी हम लेंगे ग्रीन चटनी और कुछ बटर, और मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, और साथ में हम लेंगे कुछ मेयोनेज और सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक पेपर। आइए सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे। हम बाउल में ये अनियन डालेंगे, कैबेज, और ये जो गाजर है वो, ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप रेड और येलो वाली भी ले सकते हैं, और ये धनिया पत्ती, इसमें हम अब थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप थोड़ा हल्का ही रखें क्योंकि मेयोनेज़ में भी थोड़ा सा नमक होता है।
और थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर लेंगे। अब इसमें हम मेयोनीज डालेंगे। मैं 2 टेबलस्पून मेयोनीज लूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी सैंडविच के लिए फिलिंग जो है तैयार है। चलिए तो अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेते हैं। ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा बटर लगाऊंगी। बटर बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाएंगे। और थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। अब हम इसके बीच में ये जो फिलिंग हमने बनाई है वो डालेंगे। इस स्लाइस के ऊपर भी हम थोड़ी सी चटनी लगा लेंगे। ये अब हमारा रो सैंडविच तैयार है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको ग्रिल करेंगे। ये अब हमारे रो सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने से पहले हम इनके ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे। हल्का हल्का थोड़ा सा दोनों तरफ बटर लगाना है। फिर हम इनको ग्रिल कर लेंगे। और ये ग्रिल करके जब बनेंगे तो देखना कितने टेस्टी लगते हैं। अब हम इनको ग्रिल करेंगे और जिस तरफ मैंने बटर लगाया है वो हम नीचे की तरफ रख देंगे और फिर ऊपर की तरफ फिर से थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे। इसका लॉक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत प्रेस हो गया तो इसका जो फिलिंग है वो सारी बाहर आ जाएगी। अब हम इनको ग्रिल के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारे सैंडविच ग्रिल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये अच्छे से ग्रिल हो गए हैं। अब हम इनको पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, ये है हमारे वेज मेयोनीज ग्रिल सैंडविच। आइए अब बनाते हैं वेज क्लब सैंडविच, जिसके लिए मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, मेयोनीज ली है और मैंने वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा लिया है और थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च ली है स्प्रिंकल के लिए। अब हम ये ब्रेड पीसेस लेंगे, 3 लिए हैं मैंने। अब हम इन तीनों को मेयोनीज लगाएंगे। सबसे पहले हम ये कैप्सिकम लेंगे। और हम इसके ऊपर इसको ऐसे रख देंगे एक पीस को। फिर ऊपर के पीस पे हम थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे। इसके ऊपर हम बाकी के जो है खीरा ऐसे रखते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और अब कुछ टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे और उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट बिल्कुल हल्का हल्का डालना है क्योंकि ये ज्यादा ना लगे। और थोड़ी सी काली मिर्च
और जुलास पीस है इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख देंगे और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे। ये हमारा वेज क्लब सैंडविच रेडी है।